भाई ईशा क्या है? पापा एक बस एक से क्या होता है? हो गया तुम लोगों का सब रेडी? मैं जूस लेके आती हूँ। सुनो सुनो 12 बजे आने वाले थे वो लोग। अपरना कहाँ है? अपरना तू अब तक रेडी नहीं हुई। दीदी तैयार तो हूँ। ये देखो बैंगल्स भी पहन दी मैंने। खूब सुंदर दिखती है। बस एक कमी रह गई। क्या? टेंशन मत ले। अरे लगता है वो लोग आ गए। मैं जाती हूँ, तू जल्दी आ जा। ठीक है। लो लो अपना आ गए। लीजिए चाय लीजिए। हम तो इसी साल अपरना की शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बस एक बार राजीव और अपन आपस में बात कर लें। नहीं नहीं आप अपरना का टेंशन मत लीजिए। हमारे तरफ से सब ओके है। तो हमारी तरफ से भी सब ठीक है। तो मुंह मीठा कीजिए। बिल्कुल। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अब शादी का मुहूर्त देखना पड़ेगा। हाँ मैं कल ही पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं। चलो बेटा। सब कुछ ठीक हो जाए तो दिसंबर जनवरी में इसकी शादी करवाते हैं। यार सब कुछ ठीक ही तो है और क्या ठीक होना है। दीदी जीजू मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बात करो तुम इससे क्योंकि इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं रिश्ते लेकर आऊँ या बना करती रहे। नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दीदी आप ही बताओ वो कैसा दिख रहा था लड़का? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैं कैसे शादी कर लूँ उससे बताओ। देखा परना फैमिली अच्छी है वेल सेटल है ऊपर से अकेला लड़का है तो शादी के बाद ना बहुत खुश रहेगी। दीदी पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। होता है पैसा ही सब कुछ होता है। दीदी क्या बोल रही हो आप ये? तू बैठ जा तू बैठ। देखा परना अब हमारे माँ बाबा नहीं है जो हमको जिद करे और वो हमारे नखरे उठाए। आशीष मेरा पति है और उसकी तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो तुम्हारी शादी करवाए। फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो तुझे ये बात समझनी पड़ेगी। तू समझ रही है ना मुझे क्या कहना है? ये लोग अभी तक नहीं गए। 500 रुपये में इतना टाइम थोड़ी निकला। अजीत ये क्या कर दिया तूने? मंडल मंडल क्या तुम हो वहाँ? मंडल रुक रुक। मंडल क्या हुआ यहाँ? डॉली का डॉली या क्या तूने? ये क्या किया तूने? मैंने नहीं किया मंडल भाई। तो किसने किया है? साहब ये देखिए। तेरा ऐसा क्या झगड़ा हुआ था लड़की के साथ तूने उसको मार दिया? मैंने नहीं मारा साहब ये उसने किया। उसने किसने? तब पुलिस वाले ने। पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? क्या हो रहा है ये? सर हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है सर। आपको चल पुलिस स्टेशन। सर वो पुलिस वाला मुझे यहाँ से लाया और इस कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद उसने डॉली के साथ क्या किया मुझे कसम से कुछ नहीं पता था। वो तो जब मंडल भाई आए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो साहब मैं भाग कर आया और वहाँ गया तो देखा। उसको पहचान पाएगा तू? नहीं साहब वो एक्चुअली उसने ना मास्क पहना हुआ था और लाल कलर का एक हेलमेट था उसके ऊपर। आंखें दिख रही थी तो ऐसे में मैं कैसे पहचान सकता हूँ सर? नेम प्लेट तो देखा होगा साहब। एक्चुअली मैं ना सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ तो उधर ध्यान नहीं गया मेरा। लेकिन सर उसकी ड्रेस में ना ऐसा 2 स्टार थे सर। ये कॉन्डोम का खाली पैकेट मिला है और कुछ नहीं मिला और उस लड़की का फोन भी गायब है। नहीं सर, मेरा नहीं है सर। देखा, अभी सच सच बता दे, बाद में अगर सच बाहर आ गया तो सच में इतना मारूंगा परेशान हो जाएगा। नहीं सर, मेरा नहीं सर। एक बात बता, उसने डॉली को मार दिया लेकिन तेरे को हाथ तक नहीं लगा, क्यों? सर अब मुझे क्या पता उसने मुझे क्यों छोड़ दिया सर, कसम से सर मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, लड़की के घर वालों को बुला पहचान के लिए। लड़की के घर वालों का नंबर दो। जी सर। पुलिस की कहानी सुना के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है शरीफ, लेकिन हमें जांच तो करनी होगी। एक काम करो, आसपास के एरिया में पूछताछ करो, किसी ने लाल हेलमेट वाले पुलिस वाले को देखा है। ठीक है सर। लेकिन एकदम शांति से, बवाल नहीं होना चाहिए तो अपने डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाएगी। ठीक है सर। और ये अजीत और वो गार्ड, उनको पुलिस स्टेशन लेके चलो, कायदे से पूछताछ करते हैं। अरे ईशा, मम्मी कहाँ है? आई नहीं क्या अभी तक? आई है ना, अमित मामा से बात कर रही बाहर। अमित मामा? मंजीरी तू क्या बोल रही है? अपर्णा घर की बच्ची है, उसकी शादी तोड़वा के हमें क्या मिलेगा? मिलेगा चाची, मिलेगा। आपके बेटे के मन की भड़ास निकलेगी। और तुझे क्या जरूरत थी रे अपर्णा की टूटी शादी के बारे में राजीव को बताने की? क्या जरूरत थी? मुझे पता है तू किस लिए कर रहा है, तू कुछ भी कर ले, तुझे जमीन बिल्कुल नहीं मिलेगी। ए मंजीरी, किसको धमकी दे रही है तू? और ये जमीन का थाना है ना, ये मुझे मत मार, समझी ना? उसका केस कोर्ट में चल रहा है और पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है ना वो जानता हूँ मैं। बोल ना, जीजा जी को बताओ क्या? बोल। अमित, अपर्णा तू मंजीरी को लेकर अंदर जा, फालतू का लड़ाई झगड़ा करके क्या मतलब है? हाँ दीदी बस करना, चल अंदर। क्या बस कर? तुझे पता है ना इसने क्या किया है? दीदी अम्मी दादा ने कुछ नहीं किया है, राजीव को फोन करके मैंने मना किया था। तूने बताया था? खुद के घर पर तो तेरा कंट्रोल है नहीं और माझ्यावर आरोप करते तू। मंजीरी, अपर्णा प्लीज तू मंजीरी को लेकर अंदर जा और अमित तू चल, तू चल यहाँ से। ये सब कुछ मजाक चल रहा है क्या? दीदी मजाक नहीं चल रहा है, पर समझौता जरूर चल रहा है। जीजू मेरी शादी में पैसे लगा रहे तो किसी से भी शादी करवा देंगे। हाँ सुना क्या बोल रही है तुम्हारी बहन? मैं इसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि अच्छे घर में शादी हो जाए इसकी, लेकिन नहीं, उल्टा मुझे ही ताने दे रही है। जीजू मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी बहन जानो। अरे सुनो, शांत हो जाइए आप। देखिए पोस्टमार्टम से तो यही पता चलता है कि, और उसका बॉयफ्रेंड अजीत, उसने भी यही बताया कि किलर ने उसको दूसरे रूम में बंद करके रखा था। नहीं सर, आपको किसने बताया कि अजीत डॉली का बॉयफ्रेंड? खुद अजीत ने बताया, उसके साथ ही गई थी वो बंगले पे। नहीं साहब, वो झूठ बोल रहा है, वो एक नंबर का लफंगा है, वो खुद डॉली के पीछे पड़ा हुआ था। जब उसे पता चला कि डॉली की अगले महीने शादी होने वाली है तो वो पागल हो गया। हे डॉली, डॉली डॉली सुनना, तेरे से बात करनी यार। अजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तू चुप बैठ, तेरे से बात नहीं करनी मेरे को, तेरी बेटी से बात करनी है, समझा? चल अंदर निकल जा। अजीत तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो पापा से? अरे भाड़ में गए पापा, पहले तो ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोचने की? हाँ कौन सी लड़की तुम जैसे शराबी से शादी करना चाहेगी? इसलिए झूठ बोल रहा है, उसके दो दोस्त रवि और विजय, वो दोनों लफंगे, आप उनको पकड़ी, वो बताएंगे आपको कि अजीत ने डॉली के साथ क्या किया। अजीत इन दोनों के साथ आवारा गर्दी करता था, मैं गया था उनसे पूछने, मगर दोनों घर से गायब। These are the kindest thing I know. ईशा, kindest नहीं kindest. Hi पापा। पानी। आप अपर्णा की बात का बुरा मत मानिएगा, पर उसकी बात भी तो सही है ना। अब आप मुझे बताइए, लड़का अगर उसकी पसंद का नहीं होगा तो वो जिंदगी भर खुश कैसे रहेगी? सही है तुम दोनों बहनों का, एक तो अच्छा लड़का भी चाहिए और अच्छी शादी भी चाहिए। अच्छा बताओ, बिना पैसों के कहाँ से होगी ये सपनों वाली शादी? आप ना, आप बस उसके लिए अच्छा सा लड़का देखिए, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, लॉटरी लग गई है? लगी नहीं है पर लगने वाली है। पानी। सर, ये ओमकार सही कह रहा था। जिस टाइम डॉली का मर्डर हुआ उसी टाइम अजीत ने रवि को फोन किया था और इस कॉल के 20 मिनट बाद इन दोनों के फोन की लोकेशन मर्ड एरिया की थी। पकड़ा दोनों को? हाँ सर, भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़ लिया। गुड। क्या झाला? बहुत टाइम से बैठे हो इधर, क्या काम क्या है? साहब वो साहब बोले थे पुलिस में जाके बैठो, मैं आता हूँ करके, लेकिन अब तक नहीं। साहब बहुत टाइम होगा साहब मैं यहाँ बैठा हूँ सर। ठीक है बस। आप सीधा करे ना सर। बता दो कब? बता, तू ही बता। डॉली मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी साहब, तो मैं कैसे देख सकता था चुपचाप? आप इसलिए दोनों दोस्तों को साथ लेकर उसका मर्डर कर दिया ना? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। सर हम उसको मारना नहीं चाहते थे, हम तो डॉली को उसकी औकात दिखाना चाहते थे। डॉली मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं थी सर, तो मैंने थोड़ा नाटक किया और फ़ोन करके उसको सॉरी बोला और फिर बहाने से उसे उस बंगले पर लेकर गया सर। तो पुलिस की कहानी झूठ बताई ना? नहीं सर, वो सच था सर। क्या सच था? सर हम सच बोल रहे हैं। क्या हम उससे कुछ कर पाते तो उससे पहले ही? अरे सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। हमने चल बाहर सर, चल तुम यहीं रुको। उसके बाद वो पुलिस वाले ने हमें हम तीनों को एक रूम में बंद कर दिया था। फिर उसने डॉली के साथ क्या किया हमें कुछ नहीं पता सर। जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो सर हम तीनों बाथरूम की विंडो से बाहर गए और सर जब हम बाहर आए तो हमने देखा डॉली को ऐसे वायर से लपेटा हुआ है। उसी वक्त पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? सर हम खुद ही फंस जाते सर। हाँ, इसलिए मैं और रवि वहाँ से चुपचाप निकल लिया था और अजीत को कहा था कि अगर मंडल वापस आए तो दिखावा करना कि हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे। सर वो पुलिस वाले ने डॉली को मारा है सर। वो लाल हेलमेट के सिवा कुछ देखा था और नेम प्लेट वगैरह देखी थी? सर नाम तो क्लियर दिख नहीं रहा था सर, लेकिन यूनिफॉर्म पे 2 स्टार थे ऐसे, और सर उसके पास एक काले रंग का बैग भी था। मेरे को याद नहीं रहा। बैग में क्या था? नहीं सर वो बैग अटकाया हुआ था, उसने उतारा नहीं था। सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इन लड़कों को डॉली को मारना था तो सीधे सीधे भी मार सकते थे, ये इस तरह इतना बवाल बनाने की क्या जरूरत है? वो तो सब सच बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। शिर्के इन तीनों के कस्टडी के लिए पिटीशन फाइल करो, और मर्डर वाले दिन मर्ड एरिया में जितने भी 2 स्टार पोस्टर थे उन सबके मोबाइल लोकेशन क्रॉस चेक करो। ठीक है। मोबाइल किसी को मिलना है साहब? वो साहब बोले थे कि पुलिस में जाके बैठो, वो अब तक नहीं ऐसा। मैं बहुत टाइम से यहाँ बैठा हूँ साहब। कौन साहब? नाम तो पता नहीं साहब उनका। नाम मालूम तो मिलोगे कैसे? शक्ल से पहचान पाओगे? नहीं साहब, वो जब बंगले पे आए थे तब उन्होंने हेलमेट पहन रखा था सर। लाल कलर का हेलमेट था? हाँ लाल कलर का हेलमेट था। क्या करने आया था बंगले पे वो? अरे साहब क्यों मारे हो साहब? बच्चे साहब यहाँ पे हमेशा आते रहते साहब। अब मेरे मालिक को मालूम पड़ेगा तो मेरी नौकरी जाएगी साहब। अच्छा अब थाने जा और जो बोलना है वही बोल। तो थाने निकल, इन दोनों को लेके आता हूँ। चल निकल निकल। बाइक देखी थी उस पुलिस वाले की? हाँ सर जब मैं बाहर आया था तब उनकी बाइक वहीं पे थी, लाल कलर की थी। हाँ गाड़ी का नंबर याद है? एक मिनट सर जरा। MH02GD 9985। हाँ शिरके वायरलेस पे अलर्ट कर दो इस बाइक के लिए। चलो तुम्हारे बंगले पे। साहब जब मैं पुलिस स्टेशन आया तो दरवाजा खुला था, लेकिन सब मेरे पास चाबी है। नाकाबंदी में कुछ मिला? नहीं सर, जब तक हम नाकाबंदी लगाते हैं मुझे लग रहा है कि किलर ने एरिया क्रॉस कर दिया था। वैसे मैंने उस बाइक की नंबर प्लेट को RTO के ऐप पे चेक किया था सर, पता चला है कि वो नंबर प्लेट फर्जी थी। फर्जी? ये देखिए किसी कार का नंबर है। अब ये क्या नया एंगल सामने आया? चिरके अजीत और उसके दोस्त हमारे कस्टडी में, फिर भी एक जैसे 2 मर्डर हुए। मुझे लगता है कि अजीत और उसके दोस्त इस पुलिस वाले के बारे में सच कह रहे थे। पर जिस बेहरे में से इसको मारा है, लगता है उसको कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन एक पुलिस वाले की इन लड़कियों के साथ पर्सनल दुश्मनी क्या हो सकती है? सर, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इस लड़की का और डॉली का कोई कॉमन कनेक्शन हो, जो इन दोनों लड़कियों को उस किलर के साथ जोड़ता हो। CCTV है? नहीं सर। सर, कमरे में कॉन्डम का पैकेट मिला है, लेकिन लड़की का कोई आईडी प्रूफ या मोबाइल नहीं मिला है। नहीं सर, मेरा नहीं है। सेम ब्रांड है सर। डॉली के क्राइम सीन पर भी यही मिला था। सर, एक काम करो, आसपास के मेडिकल स्टोर में पूछताछ करो, वहाँ CCTV होता है। पता करो कोई लाल हेलमेट या लाल बाइक वाला ये परचेस करने वहाँ आया था। ठीक है सर। लड़की कौन थी वो? गर्लफ्रेंड थी मेरी, नेहा नाम है। साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए अक्सर ही आ जाते थे। आज भी आए थे जब वो पुलिस वाला आ गया, और उस आदमी ने मेरी वजह से नेहा की जान गई। सर, मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम दोनों यहाँ आ रहे हो ये बात और भी कोई जानता था? कोई नहीं सर। नेम प्लेट पे नाम देखा था उस पुलिस वाले का? देखने की कोशिश की थी सर, मगर अनक्लियर था। 2 स्टार थे उसके वर्दी पर। कुछ बैकपैक वगैरह भी था क्या? हाँ, ब्लैक कलर का। बैग में कोई सामान, कुछ नाम वगैरह देखा? नहीं देख पाया सर। नेहा की हत्या ने डॉली के मर्डर की जाँच को एक नई दिशा दे दी थी। पुलिस अब तक अजीत को डॉली का हत्यारा मानकर चल रही थी। नेहा की हत्या के बाद पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर पा रही थी कि नेहा और डॉली का कातिल एक ही आदमी भी हो सकता है। पहली संभावना थी कि किलर कोई प्रेडेटर या सेक्स एडिक्ट था जो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, मगर दोनों लड़कियों के साथ की गई बेरहमी किसी दुश्मनी की तरफ भी इशारा कर रही थी। पुलिस कंफ्यूज थी। हत्यारे को बंगलोज की लोकेशन, वहाँ लगे CCTVs और आने वाले टारगेट की सबकी डिटेल में जानकारी थी। और ऐसा तभी हो सकता है जब इस सब में पहले से कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व हो, जैसे किसी बंगले का कोई कर्मचारी या फिर पहले से ही कपल्स पर नजर रख रहा कोई व्यक्ति। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या कोई पुलिस वाला इस सब के पीछे था, या फिर यह सिर्फ कातिल का एक स्वांग था जिसकी आड़ में वो छिपने की कोशिश कर रहा था। सर, मेडिकल स्टोर के CCTV फुटेज में तो कुछ मिला नहीं है सर, और इन दोनों लड़कियों के CDR में अभी तक कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिला है। इनके फ़ोन भी बंद है। लोकेशन ट्रेस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सर। और सर, ये रही उन PSIs की लिस्ट जो मर्ड एरिया में पोस्टेड थे। कोई मिला? नहीं सर। इनको क्रॉस वेरीफाई किया है, या तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे या फिर अपने घर पे थे। शिरके, अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा। मर्ड के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ के PSI से बात करो। ये नेहा, इसके फादर कब आने वाले मुंबई? सर, कल तक आ जाएंगे। दीदी, वो कॉफी खत्म। दीदी, कहीं जा रही हो क्या आप? हाँ, वो ईशा के स्कूल का कुछ सामान लेना है ना, और ईशा को भी स्कूल से लेना है, तो बस जा रही हूँ। आती हूँ। मंजरी, मंजरी, अरे मंजरी कहाँ है? जीजू, दीदी तो ईशा को स्कूल लेने गई है। अरे 5 बज रहे हैं, 2 बजे स्कूल छूटता है। जीजू, मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, अभी आई हूँ। फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। जीजू, आप टेंशन मत लीजिए, कहीं आस पड़ोस में गई होगी वो। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ये मंजरी को देखा क्या आपने? मंजरी आई क्या? नहीं जीजू, दीदी घर पर नहीं आई है। मैंने ईशा के स्कूल में भी फ़ोन किया था, वो वहाँ से ईशा को लेकर निकल गई है, पर घर नहीं पहुँची। मैंने भी मोहल्ले में चेक किया, नहीं मिली। जीजू, दीदी कहाँ गई होगी? आपकी बेटी नेहा और आपकी बेटी डॉली एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर। देखिए श्रीकांत जी और ओमकार जी, तो हमें लगता है कि ये काम करने वाला एक ही इंसान होगा, लेकिन वो अजीत नहीं है, क्योंकि अजीत जेल में बंद है। आपको कोई पहचान वाला है जो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी जानकारी रखता हो और नेहा और डॉली को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं सर। आप दोनों में से किसी का पुलिस वाले के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस वालों के साथ झगड़ा क्यों करेंगे। देखिए सर, ये है। एक काम करो गलडे, जिस पुलिस स्टेशन से फोटो आया था उनसे कोऑर्डिनेट करो, इनका एड्रेस ले लो और इनके फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर बदबू तो कल से आ रही थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा आने लगी, तो मैंने सोचा अंदर जाकर देखूं और दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आके देखा तो ये बेडरूम में लाश पड़ी थी। तुम कहाँ रहती हो? सर मैं यही बाजू वाले बंगले में रहती हूँ, मतलब मेरा पति वहाँ गार्ड का काम करता है सर। और इस बंगले में कौन है गार्ड? सर इस बंगले के गार्ड का तो नहीं पता, ये तो बंद ही रहता है हमेशा। अच्छा, ये बंगले के आसपास किसी लाल हेलमेट वाला या लाल बाइक ऐसे किसी पुलिस वाले को देखा है आते जाते? हाँ सर, वो पुलिस वाला था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने लाल हेलमेट और लाल बाइक पे था और उसने ब्राउन शर्ट पहन रखी थी। कैसे गाड़ी चला रहा है? कब की बात है ये? सर परसों शाम 7, सवा 7 की बात होगी। सर पिछले मर्डर की तरह इसे भी बहुत बुरी तरह से मारा है, मोबाइल फोन भी गायब है, कोई कॉन्डम वगैरह भी नहीं मिला है। शिरके पूरे मड एरिया में रेड अलर्ट कर दो, कोई भी लाल हेलमेट वाला लाल गाड़ी वाला दिखे उसको पकड़ो, पूछताछ करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, अपने पूरी पुलिस टीम को अलर्ट करो, अपने खबरियों के नेटवर्क को बोलो डबल स्पीड से काम करें, यह आदमी मिलना चाहिए। ठीक है सर। सर मुझे लगता है कि हमें पब्लिक को भी अलर्ट कर देना चाहिए। सर 20 दिन में 4 मर्डर हो चुके हैं और अभी तक ये हमारे हाथ नहीं लगा। सर ये जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। सीमेंट के ट्रेसेस मिले हमें बॉडी में, मगर स्ट्रगल के कोई मार्ग नहीं है जिससे रेप साबित हो सके। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? सर मंजरी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था सर। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उस बारे में अनजान थे, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस बंगले में मंजरी उसके लवर के साथ ही थी। या तो उसके लवर ने उसको मारा होगा या तो जिसने मारा उसको ये लवर जानता होगा, इसलिए खुद की जान बचाने के लिए मंजरी को छोड़ के भाग गया। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम दोनों को उसके लवर के बारे में कुछ पता नहीं। क्या मंजरी का किसी के साथ झगड़ा था या कोई मंजरी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? हाँ सर, सर मंजरी के चाचा का लड़का अमित, सर अमित की उससे जमती नहीं थी और कुछ दिन पहले उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था। सर झगड़ा क्यों हुआ था? सर एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी मेरे और दीदी के नाम से थी और अमित दादा बार बार उसे अपनी बताते थे और बार बार उस पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। दीदी उस पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पुलिस और कोर्ट दोनों से लड़ रही थी, पर अमित दादा मान ही नहीं रहे थे। पुलिस के साथ कैसा झगड़ा चला? सर वो अमित दादा पुलिस वालों को मुंह बंद रखने के लिए पैसा खिला देते थे, इसलिए पुलिस वाले हमारी सुनते ही नहीं थे। सर एक दिन मैं और दीदी पुलिस वाले से बात करने के लिए गए थे और पुलिस वाले ने हमारी बात ही नहीं सुनी और उसने दीदी से बदतमीजी की और दीदी ने उस पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये बात तो तुम दोनों ने मुझे बताई नहीं। क्योंकि दीदी ने मुझे आपसे बताने के लिए मना किया था, आप दीदी को दादा से समझौता करने के लिए कहते थे और अगर दीदी आपसे ये बात बताती तो आप उनकी बात ही नहीं सुनते। हाँ बोला। सस्पेंडेड PSI मुकेश केदारे। हाँ वो जो लाल वाली बाइक खड़ी हो तुम्हारी है? हाँ मेरी है, लेकिन मेरी बाइक से आपको क्या काम? बात करनी है तुमसे। एक गिलास पानी मिलेगा? आप इसका फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि एक लाल बाइक वाले ने जिसका हेलमेट भी लाल है उसने इसका रेप करके इसका मर्डर किया और वो पुलिस वाला। अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि ये मर्डर मैंने किया है क्योंकि मेरे पास लाल कलर की बाइक है, हेलमेट भी है। ऐसा ऐसा ये बकवास ना आप कहीं और जाकर करिए। मुझे लगा था कि आप मुझसे बात करने हैं किसी और सिलसिले में। सही सोचा। तुम्हारी फाइल देखी है मैंने सस्पेंशन की? मंजीरी ने सस्पेंड करवाया था ना तुमको, क्यों? आप क्यों नहीं रुकवा सकते काम? अमित ने आपको पैसे दिए ना काम ना रोकने के लिए। उसने पैसे दिए और कहा काम मत रोको, इसीलिए नहीं रोक रहा। अगर आप कुछ देंगे और कहेंगे काम रोक दो तो रोक दूंगा। क्या मतलब है आपका? मेरा घर नजदीक ही है, बीवी मायके गई है, कुछ टाइम हम दोनों साथ में रहेंगे, अब तुम घर पे चले जाना। हाँ फिर सीधा प्रॉपर्टी पे जाके मैटर सुलटा दो। मैं मीडिया में जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि इस पुलिस थाने में ऐसे इंसान को काम पर रखा है जो काम के लिए औरतों को खुद के साथ सोने के लिए कहता है। सबके सामने इज्जत निकाली थी तुम्हारी। तुम्हारे पास तो बहुत स्ट्रांग मोटिव है उसके मर्डर का। और बाकी दो लड़कियां, उनको क्यों मारा? और हाँ, वो मंजीरी के लड़कियों को क्यों मारा? फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए, जो समझना है वो समझिए। ऐसे भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस मंजीरी ने मेरी। बीवी भी छोड़कर चली गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जब जेल में पड़ेगा ना तब पूरे बॉडी में फर्क पड़ेगा। कर रहे सर, इसके डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। ओके सर। अरे साहब, इतने सालों से उस प्रॉपर्टी का मामला उलझा हुआ था, तभी तो मैंने कुछ किया नहीं। और जब अब मामला सुलझ रहा था तो मैं क्यों मरवाऊंगा मंजीरी को? मामला सुलझ रहा था मतलब? साहब, कुछ दिन पहले मुझे वकील का कॉल आया था मंजीरी की तरफ से। वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 50-50 का सेटलमेंट ऑफर कर रही थी मुझे। ये सेटलमेंट का ऑफर मंजीरी ने दिया था? हाँ, मतलब उसकी तरफ से लॉयर ने कॉल किया था। आप चाहिए तो बात कर लीजिए ना सब उससे। सर, मंजीरी ने अमित को सेटलमेंट का ऑफर दिया जरूर था, बट वो चाहती नहीं थी उसके साथ सेटलमेंट करना। वकील साहब, आप जमीन के लिए कोई खरीदार देख लो, 50 लाख की जगह पे 40 लाख मिल गए तो भी चलेगा, बस डील जल्दी होनी चाहिए। और वो अमित? अमित को तो मैंने पहले ही समझौते का चूरन दे दिया है। और वैसे भी ना, वो 50% के चक्कर में इस सब में ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तब तक हम कोई खरीदार देख के जमीन बेच देंगे। एक बार जमीन बिक गई ना तो उसके बाद अमित जाने और वो खरीदार जाने। आप बस ये बात किसी को मत बताइएगा, आशीष और अपर्णा को भी नहीं। सारी बातें चुपचाप होंगी तभी तो काम होगा ना। सर, हम लोग इस पर डिस्कस कर ही रहे थे कि मंजली के मर्डर की खबर आई और ये बात बीच में रहेगी। वकील साहब, क्या ऐसा हो सकता है? इस झूठी सेटलमेंट के बारे में आमिर को पता चला होगा? सर, मेरी साइड से तो पता नहीं चला, कहीं और से पता चला हो तो आई डोंट नो। ठीक है वकील साहब, आप जा सकते हो। शिरके, ये मंजीरी ने अपने प्रॉपर्टी डील के बारे में किसी से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि अपनी बहन अपर्णा और आशीष से भी। ये जरूर कुछ खिचड़ी पका रही थी। शायद मंजली अपने लवर के साथ नई जिंदगी बसाने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। उसके कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से कोई लव अफेयर का एंगल सामने नहीं आया। सिर्फ एक काम करो, ये तीनों मर्डर जिस दिन हुए उस दिन का PSI मुकेश केदारे और मंजरी के चाचा का लड़का अमित, उनका मोबाइल लोकेशन निकलवा। अगर ये तीनों मर्डर सीरियल किलर ने किए तो उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं वो अगला हमला किस पे और कब करेगा। मंजरी इस पॉसिबल सीरियल किलर की तीसरी विक्टिम थी। कातिल अब भी आजाद था और पुलिस इसीलिए अपनी जांच को किसी भी संभावना के लिए खुला रखना चाहती थी। खासकर सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मुकेश केदारे और मंजरी के अपने भाई के साथ रंजिश के सामने आने के बाद, क्योंकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि मंजरी का कातिल कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि कोई और था। काजल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त है। मेरे अंकल है, उनका एक बंगलो है सर, हम लोग वहीं पर गए थे टाइम पास करने। और जब वो पुलिस वाला आया और वहाँ से जैसे तैसे सर बाहर निकला तो मैंने देखा काजल बेडरूम में बेहोश पड़ गया। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया सर और काजल को हॉस्पिटल लेकर आया। और सर, आपके सीरियल किलर केस की इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। सर, मैं भी मंड में पुलिस की सख्ती की वजह से उसने अपने शिकार की जगह बदल ली। उसने जगह ज़रूर बदली, लेकिन शिकार कभी भी कर सकता है। ये आदमी बहुत खतरनाक है, तुम्हारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट में रहने के लिए बोलो। ओके सर। देखो, मैं इस नौटंकी में शामिल नहीं होऊंगा। मुकेश, तुम्हारी मर्जी किसी ने पूछी नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर नहीं मानोगे ना तो मंजरी के मर्डर केस में हमारे पास बहुत सबूत हैं, अंदर कर देंगे तुम्हें। खड़े, हेलमेट दो। डिसाइड करो, मास्क में जाना है या फिर जेल जाना है। देखो काजल, बिल्कुल डरना नहीं। इनमें से कौन था पहचानना। कौन? काजल, ये मतलब इनमें से कौन है? सर मेरी कार, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसने हेलमेट पहन रखा था। कुछ तो मैनरिज्म पता होगा, कुछ तो पता होगा। सर उसका बैकपैक, उसमें एक बॉक्स था जिसपे यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स लिखा था। यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स, यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स। सर ये यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स तो मुंबई के कमर्शियल इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। गुड जॉब काजल। इस वायरमैन सीरियल किलर के तार यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के किस एम्प्लॉय से जुड़े थे, इस बात का पता करने के लिए पुलिस ने यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के टोटल 1023 एम्प्लॉयज की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ पुलिस इस केस से जुड़े हर विक्टिम और सस्पेक्ट का कनेक्शन भी यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के साथ जोड़कर देख रही थी और आखिरकार 3 दिन और रात की मेहनत के बाद पुलिस को वो तार मिल गया जो इस केस के एक सस्पेक्ट से जुड़ा था। ये आदमी सर, ये तो एक्सीडेंटल केस है। ये एम्प्लॉई हमारी फर्म की तरफ से साइट पर गया था और इसे करंट लगा और इसके बाद इसने जॉब छोड़ दी। तेरे दिमाग में ऐसी क्या सनक थी कि तूने उसका मर्डर किया? सनक नहीं थी सर, सब मंजरी से छुटकारा पाना था, प्रॉपर्टी के लिए ना, प्यार के लिए सर। अरे भगवान, तू अपने बहन के पति से, अपने जीजा से प्यार करती है? सर माँ पापा के गुजरने के बाद जरूरत नहीं थी कि आशीष ही मेरा ख्याल रखता, मेरा खर्चा उठाता, पर इसने मेरा ख्याल रखा और बहुत अच्छे से रखा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे तू इससे प्यार करता था तो मंजरी से डिवोर्स ले लेने का, बाद में शादी करने की, मंजरी का मर्डर करने की क्या जरूरत थी? सर हम दोनों शादी तो कर लेते पर आधी ज़मीन दीदी के नाम हो जाती और तलाक के बाद ऊपर से आशीष को दीदी को पैसे देने पड़ते वो अलग से। चल मंजरी का समझ गया, उससे बदला लेने का था, लेकिन वो 2 लड़कियाँ, उनको क्यों मारा? उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी ना, ऐसे मार दिया? वो दोनों अक्सर मुझे मड में दिखती थी, अच्छी लगती थी, मैं उन दोनों के साथ सोना चाहता था, तो मैंने सोचा कि एक तीर से 2 काम हो जाए, ताकि जब हम मंजरी को मारे तो आप लोगों को लगे कि उसकी भी सीरियल किलिंग होती। और वो बंगले मड़ के, उनमें CCTV नहीं, तेरे को कैसे पता? सर यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स में काम करते करते मर्ड के सारे बंगलों की जानकारी है मेरे पास। तो वो मंजीरी को बंगले में कैसे बुलाया? झूठ बोल के। अरे पर वहाँ क्यों आना है? बात तो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं ना। अरे सरप्राइज है, और हाँ ईशा को भी ले आना, उसके लिए भी एक सरप्राइज है। बातें तो कुछ की नहीं और बोल रहे थे बात करनी है, हम बेडरूम से बाहर ही नहीं निकले। अब चलो घर चलते हैं, ईशा कब से बाहर बैठी और अपर्णा वेट कर रही होगी। ईशा तो तेरा अपना खून था ना, हाँ? इतनी छोटी बच्ची को मार दिया? सर मैं और आशीष अपनी जिंदगी नई सीरीज से शुरू करना चाहते थे और अगर ईशा जिंदा रहती तो हम अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुला पाते। एक नंबर की हलकट हो तुम, फालतू मानसा तुम्हें, फालतू। अरे पुलिस होने का नाटक क्यों किया? हमको क्यों बदनाम किया? तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम ये मुकेश केदारे का एंगल आपके सामने लेकर आते हैं और आप लोगों ने हमसे पूछा तो हमने आपको मुकेश केदारे के बारे में बता दिया कि जिससे सबका ध्यान भटक सके। अब छोड़ो जेल में, यही तुम्हारा जम्मू कश्मीर, यही तुम्हारा कुल्लू मनाली। आशीष और अपर्णा का रिश्ता नाजायज था, लेकिन अगर वो चाहते तो वो तलाक लेकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते थे, अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता दिला सकते थे। एक दूसरे के साथ रहने के लिए दोनों ने इतनी बड़ी साजिश रची कि 4 जिंदगियां खत्म हो गईं और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.